हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज मैंने सोचा है कि आज पूरे दिन मैं क्या करती हूँ, मैं वो इस वीडियो में दिखाऊंगी। और वैसे भी आज संडे है, तो आज मैंने सोचा ही था कि आज मैं कुछ काम भी करूँगी संडे को, क्योंकि बाकी दिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। आज मेरे क्लासेस भी नहीं है, ट्यूशंस भी नहीं है, तो आज मैं अपने सारे काम खत्म करूँगी एंड हम आपको दिखाएंगे भी कि मैंने आज क्या क्या काम किया है। तो अभी सबसे पहले मैं सो करके उठी हूँ, उसके बाद अपना बेड ठीक किया है एंड अभी मैं जा रही हूँ ब्रश करने के लिए। मैंने ब्रश कर लिया है अभी, तो अभी मेरी आंटी चाय बनाई है, तो चलो हम लोग चाय पीते हैं। ओके, तो फिर मैं अभी ब्रश करके आ गई हूँ, अभी हम चाय पियेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज करूँगी कुछ, तो हम थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं। अभी उसके बाद मैं हाफ लीटर पानी पीऊंगी क्या, मैं रोज ही पीती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अपना डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ। अभी मैं नाश्ता करूंगी। अब है ना, मुझे आज मेरे शूज़ मुझे धोने हैं, मेरे दो तीन शूज़ और सैंडल सब निकले हुए, सब धूल मिट्टी लग गया है, तो उसे मैं धो के आज सुखा के उसे पैक करके रख दूँगी। ये काम करना है। और कैसे देखती है यार, मम्मा मेरे कपड़े धो दोगे क्या आप? कपड़ा तो रोज ही धोता हूँ। अरे और भी कुछ वो अन्ने के नीचे रखा है, आप देख नहीं रहे उसको? हाँ देखो, हम दोनों की चोटी। मैं झूठ नहीं बोलूंगी गाइस, मेरे सारे कपड़े मम्मी ही धुलती है, हमेशा मम्मी ही धुलती है। बस मैंने आज वीडियो बनाने के लिए मैंने ऐसा बोला कि आज मैं कपड़े धुलूंगी, और हो भी सकता है कि मैं शूज़ धुलने के बाद अपने कपड़े खुद धो लूँ आज, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे सारे कपड़े मम्मा ही धुलती हैं। मुझे तो मजा आ रहा है, अपने काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये देखो गाइज, यहाँ पे सर्फ बनाया मैंने, थोड़े देर इसको फूलने देंगे एंड इसमें मैं अपने शूज बोरूंगी, ये रहा पानी, इसमें खंगा लेंगे। इसको डाल दूँ ऐसे? धुल लिए मैंने शूज, अब इसे हम यहाँ रख देते हैं। उसको ऐसे रखते हैं ना शूज। और इन सबको मम्मी ने कहा है कि इसमें पानी नहीं लगाना चाहिए, तो मैं इसको हल्का हल्का कपड़े से पोंछ देती हूँ। अरे बहुत गंदा है, इसको धो दूँ क्या मम्मी? ये धो देती हूँ गाइस, बहुत गंदा है, ऐसे पोंछने से ये साफ नहीं होगा। इस बार पानी लगा देती हूँ, अगली बार नहीं लगाऊंगी।
चलो इन दोनों को हम धूप में डाल देते हैं। गाइज मेरी कैट अब जब जब बड़ी हो रही है बहुत शैतान हो रही है, वो किसी की भी बात नहीं मानती, किसी के गोद में भी नहीं रहती है। तो अभी मैंने शूज धो लिए हैं अपने। ये मेरी मम्मी का रूम है, आपने पहले भी देखा होगा। एंड ये है मेरी आंटी का रूम। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आप लोग मेरे सारे वीडियोस देखा कीजिए एंड मुझे सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को एंड कमेंट भी कीजिए। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ लेकिन सब अपने ही लोगों के कमेंट्स रहते हैं। अभी हम लोग नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम फिर से काम करेंगे। कर दो। हो गया। फ्रिज में पानी नहीं रखा था। अरे भाई साहब निकल जा। एक निकल जा, निकल जा तू भी। ओके फ्रेंड्स, तो अभी मुझे मेरे घर को क्लीन भी करना है। बच्चू बच्चू ये देखो कौन है, बदमाश लड़की। लड़का है, लड़का है ये, मुझे तो लड़की लगती है। जमा होता है तो हम लोग यहाँ से जितने भी प्लास्टिक और जो बोरा झोड़ा सब है उस सबको हम हटा लेंगे एंड बाद में सबको एक इकट्ठा करके यहाँ पे बीच में हम लोग छोड़ देंगे। मेरे शूज, मेरी जूती और मेरे सैंडल। अब मैं फ्रिज साफ करने के लिए जा रही हूँ, बहुत गंदा है फ्रिज भी, तो उसे ठीक कर लेते हैं। ये रहा हमारा फ्रिज, ये देखिए कैसे पूरा सामान और इसमें पानी जमा हो गया है। चलो इस फ्रिज को साफ करते हैं। जमी हुई पानी एकदम ठंडी ठंडी सी। अभी काम करो तो वही बोतल का बात कर रही हूँ। मैंने जो जो काम सोचे थे आज की मैं करूँगी वो सारे काम मैंने कर लिए हैं। अभी मुझे आज नहाना है, अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए एंड बाल भी धोने, तो फिर अभी नहा करके आती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ओके, मैं नहा के आ चुकी हूँ एंड अभी मैं ये बेल खा रही हूँ, बहुत टेस्टी है। गाइज मुझे और ज़्यादा बेल खाने का मन कर रहा है, मैंने एक बेल खाया उसके बाद मैं यूट्यूब पे बेल का वो शरबत का रेसिपी देख रही थी
मेरा इतना मन कर रहा है कि मैं उसे बना के अभी ट्राई करूँ। तो बेल का पेड़ पास में ही है, वहीं से हम लोग लेके आते हैं। तो अभी हम देखने जा रहे हैं कि वहाँ पे कुछ बेल अगर मिल जाए तो अच्छा होगा। ये देखो गाइस कितना घना कितना बड़ा बेल का पेड़ है। यहाँ पर बहुत सारा नीचे गिरा हुआ रहता है, कुछ तो एकदम गिर के सड़ जाते हैं, फट जाते हैं। कितने मिले? 2 मिले हैं। और ढूंढो ना, कम से कम तो 4 ढूंढो ना, सब पियेंगे। ये बन गए हैं, अभी हम इसको फ्रिज में डाल देंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए। अब हम मिलेंगे 10 मिनट के बाद। मैं शाम को मैं दोपहर को सो गई थी और शरबत भी नहीं पिया, फ्रिज में रखा रखा वो भी जम गया है। तो शरबत तो हम कल पी लेंगे क्योंकि शाम को नहीं पी सकते हैं ठंडा ठंडा। एंड अभी हम चाय पी रहे हैं इस वक्त। चलो चाय पियेंगे। और अब मैं सोच रही हूँ कि इस ब्लॉग को एंड कर दूँ क्योंकि बहुत ही बड़ा हो गया है। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हम डिनर करेंगे। बस यही मेरा आज का रूटीन था। आज मैंने कुछ नहीं किया, सारा दिन काम किया, थोड़ा सा रेस्ट किया, बस खाया पिया, यही था। तो अभी जो है इस वक्त मैं सोने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने अपना मच्छरदानी लगा लिया है और मुझे बहुत नींद आ रही है। और आज बस दिन में ही जो था वो हमने किया। शाम को तो मैं सो गई थी, फिर रात को अभी मैंने डिनर किया है, फिर अब मैं सोने के लिए जा रही हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना वीडियो में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।